चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 4 सितंबर 22 को रीनीट हुआ है 6 सेंटर पर, उसके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। क्या ये 17 जुलाई 22 के लेवल का पेपर था या फिर ये डिफरेंट था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, उस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इस पर कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, 2022 में आपको च्वाइस फिल कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी, टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेज दिखाए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुष सभी कोर्सेज के लिए बुक अवेलेबल है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट के लिए बुक अवेलेबल है। इसमें हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर दे रखा है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनटीए किस प्रकार से इजी और टफ लेवल का एनालिसिस करता है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है और ये नॉर्मलाइजेशन इस रीनीट में यूज होगा या नहीं होगा, कोई क्वेश्चन इजी है, कोई पेपर हार्ड आया है, जैसे फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इसमें हार्ड आया, तो ये किस प्रकार से एनालिसिस करके रिजल्ट तैयार करता है, इसके बारे में, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा उसके बारे में मैं पूरा समझाऊंगा, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। इसमें किस प्रकार से एनटीए इजी और हार्ड क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन करता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इस रीमीट और जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा या नहीं होगा, बच्चों को कौन से बच्चों को फायदा होगा और कौन से स्टूडेंट्स को इसमें नुकसान होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि 4 सितंबर 22 को जो पेपर हुआ था उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो आप जानते हैं 17 जुलाई को पेपर हुआ था वो पेपर इजी था। 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था वो पेपर इजी था, यानी कि वो पेपर इजी था, लेकिन जो अभी फिजिक्स का 4 सितंबर 22 को पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट आया है, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट आया है, ये ज्यादा नहीं है, स्लाइटली मॉडरेट है। केमिस्ट्री की सेम पोजीशन है, केमिस्ट्री का पहले भी टफ था 17 जुलाई को और 4 सितंबर को भी टफ रहा है ये। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का आपको पता है 17 जुलाई को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो मॉडरेट से मॉडरेट पेपर था, यानी कि लेंथी पेपर था, लेकिन इस बार बायोलॉजी का इजी टू मॉडरेट आया है, यानी कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन से उठाए गए हैं, तो ये थोड़ा सा अगर 17 जुलाई के उसमें हम देखें तो ये इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ये ओवरऑल दोनों पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो सेम है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम है और इस पेपर से कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइड करेगी वो 17 जुलाई 22 का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगी, क्योंकि इसमें 18 लाख नियर बाय स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और इसमें मात्र 28 यानी कि 2800 के नियर बाई स्टूडेंट इसमें अपेयर हुए थे, तो ये काफी सारा डिफरेंस है, इसलिए कट ऑफ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ये अगर पेपर इजी भी होता तो कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि कट ऑफ इफेक्ट करेगा 17 जुलाई 22 को जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन वाइज बात कर लेते हैं एक बार कि कौन से क्वेश्चन फिजिक्स के हार्ड थे, कौन से क्वेश्चन केमिस्ट्री के हार्ड थे, तो क्वेश्चन वाइज एक बार हम देख लेते हैं पेपर का। तो देखो जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था फिजिक्स में, इजी जो क्वेश्चन थे वो 27 क्वेश्चंस इजी थे और 13 जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, यानी कि 27 इजी थे, 13 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 5 क्वेश्चन टफ थे। तो हम ये मान रहे हैं कि जो अटेम्प्ट किए होंगे वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, किसमें, 17 जुलाई में फिजिक्स में। अब फिजिक्स की 4 सितंबर की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन इजी थे, 9 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 6 क्वेश्चन टफ थे, तो टोटल अटेम्प्ट किए होंगे 39 क्वेश्चन। हम ऐसा मान रहे हैं कि 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे हर एक एवरेज स्टूडेंट ने।
अब बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का जो लेवल था वो जो 17th और 4 सितंबर का बराबर सी था, इसमें इजी क्वेश्चन 23 थे, इसमें जो 4 सितंबर को हुआ 21 इजी क्वेश्चन थे, इसमें 14 मॉडरेट थे लेकिन इसमें 16 मॉडरेट थे, टफ इसमें 8 थे और इसमें भी 8 टफ हैं, टोटल अटेम्प्ट किए होंगे ऐसा मान रहे हैं हम कि 37 17th जुलाई वाले स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए होंगे और 37 ही 4 सितंबर के कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए होंगे। अब बात मान लेते हैं हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, यहां तो 32 इजी थे लेकिन यहां 46 क्वेश्चन इजी थे बायोलॉजी में, मॉडरेट यहां 49 थे यहां 36 मॉडरेट थे, 9 क्वेश्चन ऐसे थे तो टफ थे, इसमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे तो टफ थे, तो इसमें हम ऐसा मान रहे हैं कि 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे स्टूडेंट ने, यहां 82 किए होंगे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट, तो दोनों का जब ओवरऑल हम देखते हैं तो टोटल इजी क्वेश्चन थे सारे सब्जेक्टों में 82 थे लेकिन 4 सितंबर वाली में 97 थे, इसमें 76 थे तो इसमें 61 थे मॉडरेट, और टफ क्वेश्चन 22 थे और इसमें भी टफ का लेवल बराबर था, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि 158 क्वेश्चन हरेक स्टेट ने अटेम्प्ट किए होंगे हरेक स्टूडेंट ने, और इसमें भी 158 हरेक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसमें पेपर का जो लेवल है वो सेम ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसका जो पेपर देखेंगे, इसका जो पेपर है अवेलेबल है एलएन की वेबसाइट पर, इसका पेपर अवेलेबल है आंसर की के साथ में, लेकिन जब आप यहां अटेम्प्ट करेंगे उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर तो बहुत ही इजी है, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पेपर तो काफी इजी है, लेकिन ये पेपर इजी नहीं है उतना, ये 17th जुलाई के लेवल का ही है, क्योंकि आप अभी यहां घर पर इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर, इसलिए वहां थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, यानी कि आप यहां अगर इस पेपर में 650 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर एग्जाम हॉल में 600 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो ऐसा अगर आप यहां पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पेपर तो इजी था लेकिन इतना इजी नहीं है, आप ये सोचोगे कि जो 17th जुलाई को हमारा पेपर आया था उससे ये पेपर इजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब कट ऑफ की बात करें इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कट ऑफ डिसाइड करेगा इसमें 17th जुलाई 22 का पेपर, तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि 158 हरेक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, हरेक ने नहीं सॉरी एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, तो एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं तो 632 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के आएंगे, मैंने इसमें नेगेटिव इसी में कंसिडर कर लिए हैं, नेगेटिव अलग से कंसिडर नहीं किया है, इसी में जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्टेड वाले किए हैं इसी में नेगेटिव कंसीडर कर लिए हैं। अभी देखो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं इंसान से, काफी सारे स्टूडेंट से इसमें मिस्टेक्स हुई हैं, जिसने 632 का पेपर अटेम्प्ट किया तो उससे भी काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, उसके भी क्वेश्चन जो सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं उनमें गलतियां हुई हैं, तो हम मान लेते हैं कि एरर इसमें 11 क्वेश्चंस का हो सकता है, तो 44 क्वेश्चंस इसमें सॉरी 11 क्वेश्चंस इसमें ह्यूमन एरर से मिस्टेक्स हुई होंगी, तो 632 से अगर हम 44 मार्क्स माइनस करते हैं डिडक्ट करते हैं तो यहाँ 588 मार्क्स हम सोच रहे हैं कि ये 588 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। अभी इसमें जो चैलेंज किया है स्टूडेंट ने एनटीए के पास, तो अगर इसमें एनटीए एक बायोलॉजी वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर कंसीडर करता है उसके भी बोनस मार्क्स देता है तो हम यहां मान सकते हैं कि ये 592 कट ऑफ जा सकती है, अगर बोनस मिलने नहीं मिलने पर हम ये मान सकते हैं कि 588 कट ऑफ जा सकती है, तो अभी कट ऑफ का यहाँ डाउट ही है कि कितनी जा सकती है, लेकिन हम इस पेपर पर अगर एनटीए ने आंसर की दी है इसमें कुछ चेंज नहीं करता है तो हम मान के चलते हैं कि 588 590 जा सकती है, अगर इसमें एक क्वेश्चन का बोनस देता है तो 592 595 ये कट ऑफ जा सकती है, तो इस प्रकार से ये कट ऑफ रह सकती है, इस पेपर का कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार से ये डिफिकल्टी लेवल रहा है और किस प्रकार से कट ऑफ में ये फर्क पड़ेगा। अभी नेक्स्ट में मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि जो इजी क्वेश्चन पेपर होता है या फिर जो डिफिकल्टी लेवल होता है तो एनटीए किस प्रकार से उसका एनालिसिस करता है, क्या ये नीट में भी वो करेगा, किस प्रकार से नीट में
जो ये दोनों के क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आए हैं 4 सितंबर का, 17 जुलाई का, तो इसमें किस प्रकार से वो डिफिकल्टी लेवल और इजी लेवल के तहत इनको मार्क्स देगा, तो ये जानकारी थी इसके बारे में। नए वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।